नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अतुल और आप देख रहे हैं एनडीटीवी का खास कार्यक्रम वोटर क्या बोला। वोटर क्या बोला कार्यक्रम लेकर आज हम गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से आपके बीच में मौजूद हैं। एक मेले में हैं, मेले में काफ़ी सारी रौनक है, बहुत सारे लोग हैं और उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने वोट डालते समय क्या क्या मुद्दे अपने जहन में रखे। और इस मेले में काफ़ी सारी रौनक है, काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं और मेले में आपको दिखाई दे रहे हैं। सर, नाम बता दीजिए अपना। इसके गोयल। गोयल साहब, गोयल साहब, वोट तो जिम्मेदारी से किया होगा आपने? हाँ, पक्का लगा। तो वोट जब जिम्मेदारी से आपने किया तो क्या क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में? सही काम होने की और सर को क्या विकास सही बात का होने की क्या फिर भी और इसके अलावा आदमी शांति चाहता हो क्या? बस शांति चाहता है। तो शांति के अलावा कोई और मुद्दे और क्या? सही और कोई बात नहीं। सरकार बदलना चाहते थे या सरकार बनाना चाहते थे, क्या करना? सरकार यही चलेगी। ये क्यों चलेगी? सही है सर, मतलब आदमी संतुष्ट है। आदमी संतुष्ट है, सरकार वर्तमान में जो काम कर रही है ठीक कर रही है। सही है। तो ये जो इनका कहना है कि सरकार से हम संतुष्ट हैं और कहीं ना कहीं उससे जो है इत्तेफाक रखते हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या सोचकर वोट डाला आपने? नहीं, वोट यही है विकास के नाम पे डाला और हम सुरक्षित भी हैं, मोदी जी जब तक हैं जब तक। और चीन देखो आप, पहले अभी होता था, अब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। पाकिस्तान को देखो आप, मंदिर बन गया और शांति है। व्यापारी आदमी हम तो शांति चाहते हैं कि सबके भले से अपना भला है, पहले देश सबसे ऊपर है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और क्या मुद्दे हो सकते थे? मुद्दे सुरक्षित हैं और क्या आज हुआ है, बस। अब महंगाई तो चलती रहती है, महंगाई तो कांग्रेस के टाइम पे भी थी और अभी भी महंगाई, तो जब आबादी बढ़ेगी तो महंगाई तो निश्चित बढ़ेगी, उसमें कोई दिक्कत हो रही है? मैं बोलता हूँ कुछ स्थानीय मुद्दों पर बात हुई। स्थायी मुद्दे क्या है, विधायी मुद्दे तो जो विकल्प अपने विधायक जी हैं, अब जैसे सिंधिया जी बन गए हैं तो निश्चित कुछ ना कुछ होगा, ऐसी बात नहीं साहब। मैं होता हूँ विकास तो है, राय साहब देखो यहाँ कितनी चीज़ें लाई हैं और विकास हो रहा है। रोड देखो आप, 370 हो गई, मंदिर आ गए, और क्या चाहिए साहब। तो लगातार हम मेले को घूम रहे हैं, मेले में रौनक है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, सबसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम मृदुल शर्मा है। मृदुल, मृदुल जो चुनाव में वोट तो किया होगा जिम्मेदारी? बिल्कुल, जिम्मेदारी के साथ। जिम्मेदारी के साथ किया, तो जिम्मेदारी के साथ सरकार बनाने का काम भी किया होगा? बिल्कुल। तो क्या लगता है, क्या मुद्दे थे मृदुल जैसे युवा साथियों के दिमाग में? जैसे मैं अपना पर्सनल अगर अपने वे में जाऊँ तो जिस क्षेत्र में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, मैं एक स्पोर्ट्स टीचर हूँ और विगत काफ़ी वर्षों से इस क्षेत्र में कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो अभी तक हम सब लोग प्राइवेट तौर पे काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी, एग्जाम दिया है, जिसके एक साल बाद तक अभी तक कोई मुद्दे क्या है? वैकेंसी दे, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलना, रोजगार मिले आप, क्योंकि शिवपुरी में आप खुद देखेंगे रोजगार काफ़ी कम है और कोशिश हो के इस बार रोजगार बढ़े, कुछ फैक्ट्रियाँ आए, कुछ फैक्ट्रियाँ आए, कुछ रोजगार बढ़े और युवाओं को रोजगार मिले, यही बात करें। ठीक है, आप नाम बता दीजिए। किरण रायकवार। ये बताइए कि जो आपने वोट तो किया होगा जिम्मेदारी किया है, तो वोट करते समय में क्या दिमाग में चल रहा था, क्या सोचकर वोट कर रहे थे? मोदी को करेंगे। क्यों? बस मोदी को। क्यों ऐसा लगता है? बहुत कुछ किया मोदी जी ने, लाडली योजना पर बहुत अच्छा काम किया उनने, लाडली योजना पर लाडली बहनाओं को पैसे दे रहे हैं, उनके जेब खर्चे दे रहे हैं और इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है कि बहुत 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 अच्छा चल रहा है और मोदी जी को ही आना चाहिए, कमल ही जीतेगा। तो महंगाई तो बताते हैं बहुत? कोई महंगाई नहीं है, ये सब जनता की महंगाई है, सब अपन लोग जनरल लोग महंगाई कर रहे हैं, इसमें कोई उनका कुछ नहीं है फंडा, उनका काम बहुत अच्छा है और उनको ही आना चाहिए। उनको ही आना चाहिए, तो क्यों आना चाहिए? लेकिन उनका काम ही इतना अच्छा है कि लाइक जो कि लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती थी वो लड़कियां बाहर निकल पा रही हैं, जो कि लड़कियों को औरतों को कभी भी सुविधाएं नहीं मिली वो सुविधाएं मिल रही हैं और कि बहुत कुछ मिल रहा है, उनका रोड अच्छी हो गई है, गंदगी साफ हो गई है और बहुत 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 कुछ अच्छा है, मोदी जी को ही आना चाहिए। तो मेला है और मेले में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि महिलाएं हैं, भीड़ भाड़ है और महिलाएं अपनी अपनी जो है ज्वेलरी की पसंद की दुकान पर मौजूद हैं और खरीदारी कर रही हैं। और महिलाओं से अगर बात करें, आप नाम बता दीजिए। उमा। उमा जी, उमा जी, वोट तो किया होगा आपने? वोट डाला था? हाँ डाला था। वोट डाला था, क्या सोच के डाला था? सरकार बदलने वाली है कि सरकार बनाने वाली है? बनाने वाली है। क्यों बनाने वाली है? जैसे महंगाई कम हो जाए। अच्छा, तो ये जो सरकार है ये महंगाई बढ़ रही है इसमें? बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है। तो ये जो बातें हैं, ये बातें लगातार यहाँ मेले में चलती हैं और कुछ महिलाएं हैं जो खुल के बात करती हैं, कुछ महिलाएं हैं जो शर्माती हैं, कुछ युवा साथी भी हमारे साथ में और ये परचेजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी, जो वोट करने जाते हैं हम, जिम्मेदारी से वोट तो किया था आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मुद्दा था दिमाग में? विकास। विकास के मुद्दे पर अगर हम बात करें वर्तमान सरकार की, तो कैसा काम कर रही है? ठीक ठाक काम कर रही है, पर अपने शिवपुरी में उतने अच्छे से काम नहीं हुए। मैं पिछले 10-12 साल से तो सिंधो सीवर दो बड़े प्रोजेक्ट जो आए थे, इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अंतिम स्थिति में नहीं पहुंच पाया। सिंधु रोज लीक हो जा रही है, सीवर का था पता नहीं, अभी मेरे ख्याल से 10-5 साल और लगेंगे। और पूर्व में जो इनके हमारे सिंधिया साहब के जो वालिदान थे, उन्होंने लोगों ने जो बसाई थी सिंधिया नगरी, उस समय बिना मशीनों के काम करते हुए इतने अच्छे काम हुए हैं। उस समय भी एक जो है शहर के अंदर सीवर की लाइन डली हुई थी, वो इतने अच्छे से काम कर रही है आज तक। तो अब सिंधिया जी आएंगे तो सिंधिया जी बेहतर, अगर सिंधिया जी चुनाव जीतते हैं तो बेहतर काम नहीं करेंगे? नहीं, वो बेहतर काम करते हैं, वहाँ से पैसा दिलवाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है दोनों योजनाएं। मैं चाहता हूँ भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाए, है ना? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए, ऐसा आपका कहना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सामने मेला है और मेले में ही हम हैं, वोटर के मन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम है वोटर क्या बोला, और ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से, जहां से भाजपा प्रत्याशी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राव यादवेंद्र सिंह यादव। दोनों के बीच में मुकाबला है, 4 जून को मतगणना होगी, 7 मई को ऑलरेडी मतदान हो चुका है और अब 4 जून को इनकी किस्मत का फैसला जनता सुनाएगी, वो दिल देखना दिलचस्प होगा। और इसी बात को लेकर के हम कहीं ना कहीं इस मेले में मौजूद हैं और वोटरों से बात करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद इमरान खान। हाफिज मोहम्मद इमरान खान, बड़ा लंबा नाम है साहब जी। हाँ, मैं हाफिज हूँ। तो मेले में आप जो है लेडीज पर्स की दुकान पर क्या कर रहे हैं जी? मेरी बेटी को चाहिए। अच्छा, बेटी और परिवार के साथ आए हैं, तो परिवार भी मौजूद है आपका? तो अरे वाह वाह वाह, मेरी मैसेज है। इमरान साहब ये बता दीजिए कि वोट तो जिम्मेदारी से किया होगा आपने? हाँ, जिम्मेदारी से किया। तो वोट जब करने गए थे तो मुद्दे जहन में क्या क्या थे, दिमाग में क्या चल रहा था? मुद्दा ये था कि सरकार बदलना चाहिए। बदलना चाहिए? हाँ। क्यों बदलना चाहिए? देखो असल में क्या है कि बदलाव तो होना चाहिए थोड़ा सा। अब क्यों बदलना चाहिए ये इतनी जानकारी तो खैर मुझे है नहीं, ये क्यों बदलना चाहिए, लेकिन सरकार बदलना चाहिए। नहीं, फिर भी आपको क्या सोच के लगता है कि बदलना चाहिए, मतलब क्या चीज़ आपको खराब लगती है सरकार में जिस वजह से सरकार बदलनी चाहिए? भाई ऐसा तो क्या कि मेरा कुछ ऐसा पड़ा नहीं है पाला, लेकिन मेरे कई काम है, मेरा मकान भी उसका नाम क्या कच्चा मकान है, मेरा काम भी नहीं हो पाया उसमें, और उसका नाम क्या ना बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो नहीं हो पाई, मेरी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, नहीं नहीं मिल पा रहा योजना का, इसलिए सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए, तो ये कहते हैं सरकार बदलनी चाहिए। और अब आप देखिए मेले के अलग अलग रंग हैं, और मेले के अगर अलग अलग रंग हैं तो इस तरह के रंग भी आपको दिखाई देते हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं मेले में जो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगी, और तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के विचार हैं, और यही वजह है कि हम वोटर के मन को तलाशने के लिए कहीं ना कहीं वोटर के बीच में पहुँचे हैं। नाम बता दीजिए अपना। शिफा खान। शिफा, शिफा बहुत यूथ हैं आप, कौन से क्लास में पढ़ती हैं? बीए थर्ड ईयर में पढ़ती हैं। वोट किया था? यस। पहली बार किया होगा वोट? फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? यस। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आप? बहुत अच्छा, एक्साइटमेंट था बहुत। एक्साइटमेंट था, एक्साइटमेंट क्यों था लेकिन बता? क्योंकि फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे थे। फर्स्ट टाइम वोटर। अच्छा, सरकार चुनने टाइम पे क्या क्या जहन में मुद्दे थे? जो सरकार को करना चाहिए वही सब था कि क्या कर रही है सरकार। ये जो सरकार काम कर रही है ठीक कर रही है? हाँ ठीक है, पर सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए, क्यों बदलनी चाहिए? क्योंकि इतना टाइम हो गया है कि सरकार को देखते देखते टाइम, काम भी ठीक ठाक ही हो रहा है। शिवपुरी का हाल तो बहुत खराब है, शिवपुरी में सड़कों की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, हर चीज की प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो कहीं से कोई डेवलप नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। तो ये जो आप मेले में रंग देख रहे हैं, ये अलग अलग रंग है और यही रंग हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेला है और इस मेले में ही हम वोटर के मन तक पहुंचकर वोटर क्या बोला बताने की कोशिश कर रहे हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम वर्षा खरे है। वर्षा जी, वर्षा जी क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ किस गार्डन स्कूल में। और आप बता, मतलब वहाँ पर संस्कृति कार्यक्रम सिखाती हूँ, डांस, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड मदर टीचर ऑल्सो। तो ये जो बताइए कि मुद्दे क्या क्या, महिलाओं को क्या लगता है, आपने वोट तो किया होगा ना? हाँ, वोट किया है, वोट किया है।
वोट किया है। हाँ, वोट किस मुद्दे पे किया? वोट इसी मुद्दे पे किया है कि जो महिलाओं को फैसिलिटी मिल रही है आजकल की महिलाओं को, जैसे कि लाली बहन योजना के ऊपर मिल रही है, गैस सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं, इसके मुद्दे पर किया है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्यों अच्छा कर रहे हैं? महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं सोचा। जो योजनाएं चल रही हैं 1250 रुपए जो भी आ रहे हैं, पहले जिसके खाते में आ रहे हैं, मेरे खाते में नहीं आ रहे, और गरीब महिलाओं के खाते में आ रहे हैं, बहुत अच्छा आ रहा है। गरीब महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। इसलिए आपने उनको वोट किया? हाँ, उनको वोट किया है क्योंकि सिलेंडर भी उनको 450 रुपए में मिल रहा है, पर्याप्त मिल रहा है, वो काफी है मेरे लिए सोचने के मुताबिक। और महिलाओं को क्या क्या मुद्दे लगते हैं, सुरक्षित महिलाएं महसूस करती हैं? महिलाओं के लिए एक चीज और होनी चाहिए, जैसे कि जो पुलिस की जो फैसिलिटी होती है वो और बढ़नी चाहिए। जैसे आजकल कितने केस हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ केस हो रहे हैं, उस चीज पे भी और गौर करना चाहिए सरकार को। पर उस पर अंकुश लगना, हाँ उस पे लगना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, और वो कैसे करना चाहिए वो भी मोदी जी सोच लेंगे। तो मेला में घूमते घूमते सॉफ्टी खाते खाते हम लोगों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम वोटर क्या बोला और गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र, नाम बता दीजिए अपना। अमित तिवारी। अमित तिवारी, तिवारी जी कुल्फी का लुफ्त ले रहे हैं आप, मेले को घूम रहे हैं, तो वोट तो जिम्मेदारी से किया ही होगा? बिल्कुल किया, और शायद मेरा पहला वोट था जब मैं सुबह 7 बजे डालने गया, मशीन मैंने स्टार्ट कराई थी। मशीन आपने स्टार्ट कराई थी, ये तो बड़ी जिम्मेदारी का काम आपने किया। ये बता दीजिए कि आपने जो वोट डाला, वोट डालते समय आपके दिमाग में क्या क्या मुद्दे थे? मेरे मुद्दा यही था कि मेरा देश आगे बढ़े, और मेरा देश आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जब घर का एक सदस्य आगे बढ़ेगा तो वो औरों को आगे बढ़ाएगा, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब देश की तरक्की होगी तभी हमारी तरक्की होगी, और तरक्की का रास्ता तो सिर्फ एक ही नज़र आता है लोगों को, शायद मोदी है मेरे नज़र में, तो क्योंकि नरेंद्र मोदी रास्ता है। बिल्कुल है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक जो पार्टियां इंडिया गठबंधन है, आपने कई बार देखा होगा पहले भी कांग्रेस ने कई पार्टियों से गठबंधन किए, सरकारें बनाई, लेकिन हर बार क्या होता था, वो लड़ते थे कि ये पद मुझे चाहिए, ये वाला विभाग मुझे चाहिए, और हर बार वही लड़ाई होती थी, सरकार कभी गिरती थी, कभी वो उससे ममता बनर्जी अलग हो गई, तो कभी शायद आपने कई बार देखा होगा कांग्रेस के टाइम में कई बार सरकारें टूटी बिखरी बदली, कोई मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री बना तो कभी कोई बना, कोई 2 साल बना, कोई 4 साल बना, कोई परमानेंट कुछ नहीं था। अच्छा, मुद्दे क्या रहे? मुद्दे यही थे कि देश का विकास होगा तो जनता का विकास होगा मुद्दा था। आपको स्वाभाविक चीज़ें जो चाहिए वो सरकार आपको स्कीमें ला के दे रही है, अब चूंकि स्कीमें आप तक पहुंच नहीं पा रहे, उसमें गलती सरकार की नहीं है, सरकारी जो अफसर है गलतियाँ उनकी हैं, जो उन मुद्दों को सरकार के मुद्दों को जानकारी जनता तक नहीं पहुँचा पा रही, सरकार तक नहीं पहुंच, जनता तक नहीं पहुंच, जनता तक नहीं पहुंच पा रहे, जनता तक मुद्दे कुछ नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो मुद्दे पहुंचना बहुत जरूरी है, ऐसा इनका कहना है। आइए कुछ और वोटरों से बात करते हैं और उनके मन को टटोलने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम वोटर क्या बोला में तो हम वोटरों से बात कर रहे हैं, वोटर क्या बोला कार्यक्रम में, आप नाम बता दीजिए। कृति गोयल। गोयल साहब, ये बता दीजिए कि वोट तो आपने जिम्मेदारी से डाला था? जी हाँ, वोट हमने अच्छे अपमान जिम्मेदारी समझ के ही डाला था। तो जिम्मेदार सरकार चुन ली? चुन ली। तो आप ये बता दीजिए कि दिमाग में वोट डालते समय क्या क्या मुद्दे थे? मुद्दे यही थे कि जो ये गरीबों को सरकार एक तो पैसा बांट रही है वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता, उनको काम धंधा दे, बेरोजगारी पैसे क्यों बांट रही है? पैसे नहीं बांटने चाहिए, नहीं बांटने चाहिए, इससे जनता और लापरवाह और मक्कार होगी, मक्कार हो जाएगी, जनता इससे काम नहीं करेगी, नहीं करेगी। महिलाओं से जुड़े हुए क्या मुद्दे? महिलाओं को जो पैसे मिल रहे हैं उन्हें भी नहीं मिलना चाहिए, किसी किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, ये लगता है उन्हें कि सबको मिलना चाहिए, किसी को नहीं मिलना चाहिए। आपको मिलते हैं? नहीं, हमने नहीं भरा। आपको नहीं मिलते इसलिए आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें नहीं मिलते तो किसी को नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए जिन लोगों को जरूरत है होना मिलना चाहिए। तो जरूरतमंद को तो देती है सरकार? नहीं, सब ले रहे हैं, ये तो बिना जरूरतमंद भी ले रहे हैं जो नहीं ले रहे हैं। और अच्छा, और महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं कि नहीं करती? हाँ, ये तो है, सुरक्षित तो महसूस करती है। और सरकार जो काम कर रही है ठीक कर रही है, बदलनी चाहिए? नहीं नहीं, सरकार अच्छा काम कर, सरकार नहीं बदलना चाहिए? नहीं नहीं। क्यों नहीं बदलना चाहिए?
मोदी जी तो, क्योंकि उसने रोड वगैरह बहुत अच्छी बनाई है और जो भी वो ये महिलाओं के लिए और भी सुरक्षा संबंधित काम कर रही है वो अच्छा कर रही है। बस ऐसे पहले से अत्याचार कम हुए हैं, पहले से बहुत मतलब अंतर आया है समाज में महिलाओं को सपोर्ट मिला है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। पहले बलात्कार बहुत ज़्यादा होते थे, अब थोड़ा कम हो गया, पहले से बहुत कम है अब, ये चीज़ है। नाम बता दीजिए। प्रिया शर्मा। प्रिया जी क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं और वोट तो जिम्मेदारी के साथ किया होगा आप? हाँ जी। तो वोट जब आपने किया तो महिलाओं से रिलेटेड जो मुद्दे थे, क्या क्या मुद्दे थे और क्या सोच करके वोट किया? यही कि उनकी जो भी कंडीशन है सुधरे आगे जा करके सुधरे। अच्छा, जो सरकार वर्तमान में काम कर रही है वो ठीक कर रही है या बदलना चाहती है? सही कर रही है। क्यों ऐसा लगता है? पहले के मुताबिक अब तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। क्या क्या चेंजेस आए जरा बता दी, खुल के बताइए ना। अब ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे, एक मुद्दा लेकर के बैठो तो अभी तो रात भी वैसे ही बहुत हो गई है। क्या क्या मुद्दे हैं? जैसे सब अच्छे ही हो रहा है। नहीं, सरकार आपने कहा कि यही आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए? अब ऐसा लगता है अंदर से जो भी काम हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। तो वोटर क्या बोला कार्यक्रम में, हमारे साथ में लगातार महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, युवा भी हैं और उनसे हम बात करते हैं, मन टटोलते हैं और जानते हैं कि उनके मन में क्या था जब वो वोट कर रहे थे। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम साहिबा खान है। साहिबा जी, आपने वोट तो जिम्मेदारी से किया होगा। जी। तो जब जिम्मेदारी से वोट किया, जिम्मेदारी से सरकार भी बनाई होगी। जी। क्या लगता है आपको, क्या महिलाओं से जुड़े हुए क्या मुद्दे थे और क्या मुद्दे थे? महिलाओं से जुड़े मुद्दे यही थे कि बेरोजगारी है एक तो, एक अपने जो सिलेंडर वगैरह है जो महंगे हैं, है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा है तो आम लोग जो है उसको मतलब बहुत परेशानी हो रही है। तो सरकार से यही है कि ये सरकार नहीं आना चाहिए। तो ये सरकार नहीं आना चाहिए, इसके पीछे क्या रीज़न है? कौन सी महंगाई बहुत ज़्यादा हुई, कौन सी सरकार बनाना चाहती? कांग्रेस बनाना चाहते हैं। तो लगता है आपको कि कांग्रेस सरकार बना सकती है? जी बिल्कुल। तो सीट के मामले में जो कह रही है बीजेपी के 400 सीटें आएंगी, तो कांग्रेस की कितनी सीटें आ जाएंगी? वैसे तो उन्हें पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए कांग्रेस। जी, क्योंकि जो बेरोजगारी बढ़ी और जो बहुत समस्याएं आई, ये आम लोगों ने फेस ज्यादा की है ना, ये बड़े लोगों ने या छोटे लोगों ने नहीं, गरीब तो अपने हिसाब से कर लेता है, मध्यम वर्गीय इंसान बहुत परेशान होता है, वो बहुत परेशान हुआ जब ये गवर्नमेंट ये वाली आई है तो मध्यम वर्गीय आदमी परेशान हुआ बहुत ज्यादा। क्या रीजन मानती है? रीजन सबसे बड़ी महंगाई और बेरोजगारी और महंगाई बड़ी है जी। तो इसको कंट्रोल ये सरकार करती है तो सरकार बेहतर है, बहुत बेहतर है। राहुल जी कर सकते हैं, मोदी जी नहीं कर सकते? नहीं, हमने देख लिया ना 10 साल, राहुल जी कर सकते हैं, मोदी नहीं कर सकते। नहीं। तो वोटर क्या बोला कार्यक्रम में, हम मेले में हैं जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं और हमारे साथ वोटर हैं, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या है। वोटर ने वोट दे दिया है और फैसला भी अपना सुना दिया है, मतपेटी बंद हो चुकी है, EVM बंद हो चुकी है, इससे समय जब आप वोट कर रहे थे तो क्या मुद्दे थे आपके? मेरे दिमाग में मुद्दा तो कुछ ऐसा विशेष नहीं था, बस हाँ ये है कि मैं खुद डिफेंस से हूँ तो डिफेंस को लेके मोदी जी की पॉलिसी अच्छी है, गवर्नमेंट अच्छी चल रही है। पहले जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में फौज को कुछ एक्शन लेने में प्रॉब्लम्स आती थी, अब वो सब नहीं बची हैं। मतलब आप मतलब एज ए डिफेंस पर्सन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले जो जम्मू कश्मीर में फौज कोई एक्शन करती थी या फौज के ऊपर किसी ने पत्थर फेंक दिया या कुछ ऐसा कर दिया तो कुछ करने से पहले सोचना पड़ता था, अब उन सब चीज़ों से काफ़ी आज़ादी मिल चुकी है। मतलब ऐसा नहीं, अगर आपको कोई मार रहा है तो आप उसको पलट के मार सकते हो, जवाब दे सकते हो। तो ये जो आपको अंतर दिखा है, काफ़ी अंतर है इस चीज़ में। क्या लगता है आपको, मोदी जी आ रहे हैं वापस? 101% आ रहे हैं। क्यों लगता है? क्योंकि वो देश की धड़कन है साहब, उन्होंने देश के लिए किया है। आप छोटी छोटी बातों में मत जाओ, कई सारी चीज़ों की कमियाँ हैं जो मतलब महंगाई है, बेरोजगारी है, ये मुद्दे कुछ ऐसे हैं जिसपे अभी और काम होना बाकी है। जब जिस आदमी ने इतना कुछ किया वो ये सब भी करेगा ना, ये सब भी करके देगा। अब काफ़ी कुछ वो कर चुके, मतलब उसने देश को सशक्त किया है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमारी एक अच्छी पहचान बनी है। इससे पहले आप देखें, ऐसा नहीं है भारत को लोग जानते नहीं थे, जानते थे, लेकिन आज जिस तरीके से भारत ने अपने आप को एक मजबूत पक्ष रखा है अपना, वो देखने को दुनिया को मिला है। इसके साथ में
कोई भी आदमी कुछ भी हरकत करने से पहले सोचता है, जो चाइना है, अपना पाकिस्तान है, कुछ भी एक्शन करने से पहले सोचता है कि पलट के मारेगा भाई, जोर के लगेगी। महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप अभी पिज्ज़ा खा रहे थे, तो पिज्ज़ा कैसा लगा? जी मुझे बहुत अच्छा लगा पिज्ज़ा, धन्यवाद। और मेले में आप जो घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, और साल भर बच्चों को, बड़ों को, सभी को इंतज़ार रहता है मेले का, तो मेला डेफिनेटली एक मतलब एक एंजॉयमेंट है, तो मेला डेफिनेटली अच्छा ही लगता है घूमने में। वोट जिम्मेदारी से किया कि नहीं? जी मैंने बिल्कुल अपनी पूर्ण जिम्मेदारी से वोट किया है। तो वोट जब जिम्मेदारी से किया, सरकार कौन सी बन रही है, क्या मोदी जी की सरकार दोबारा लौटेगी? देखिए ये कहना मतलब इस तरीके से बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं इस बात को बहुत अच्छे ढंग से मानती हूँ कि विश्व पटल पर भारत की नई छवि बनी है, किंतु जो वाकई में कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं, केवल मंदिर, हिंदुत्व और भी बहुत सारी जो मतलब हैं चीज़ें, मैं इन सब चीज़ों को नकार नहीं रही हूँ, लेकिन और भी चीज़ें हैं जिन पर सरकार जो भी बने उसको ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो एक तरीके से एक समय माना जा रहा है कि इस वक्त भारत जो है युवाओं का देश है, तो युवाओं की बढ़त के लिए देखिए रोजगार बहुत आवश्यक है। सभी लोग यदि व्यवसायी हो जाएंगे, सभी लोग व्यवसाय ही करने लगेंगे, तो नहीं हो पाएगा ऐसा, रोजगार की कमी है। और शुपरी के लिए विशेषकर मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि श्रीमंत जी भी यदि जीत के आते हैं, स्वागत रहेगा उनका, किंतु पर्टिकुलर शुपरी के विकास यदि हम पर्यटन को ही लेके कर रहे हैं, तो जो हमारी सांख्य सागर झील है वो पिछले 3 साल से त्रासदी का शिकार है, तो मेरी तो खुल के अपील केवल और केवल एक ये है कि यदि शुपरी को ग्रीन सिटी ही घोषित किया गया है, तो इससे पूर्व जो विधायिका रही हमारी वो शुद्ध शुपरी की थी, छत्री परिवार से थी, श्रीमंत परिवार से थी, उनकी मतलब अमिट धरोहर है शुपरी। अच्छा ये बता दीजिए, राहुल बेटर हैं या मोदी बेटर हैं? आप केवल राहुल या मोदी का प्रश्न पूछ रहे हैं या शुपरी वासी होने के नाते शुपरी के विकास की बात कर रहे हैं? मैं एक प्रश्न ये भी पूछ रहा हूँ कि राहुल बेटर हैं या मोदी बेटर? देखिये इंटेलेक्चुअल लेवल निसंदेह राहुल का अच्छा है, लेकिन उनको हमेशा दिखाया गया है इस तरीके से है कि वो पप्पू हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मोदी बुरे हैं, लेकिन मेरा केवल और केवल मुद्दा ये है कि मैं शुपरी में रह रही हूँ, पूरे भारत भर को अब मेरे पति के आर्मी में होने के कारण घूम के आने के बाद भी मैंने अपने रीसेटलमेंट के लिए शुपरी को चुना दोबारा रहने के लिए। आप नाम बता दीजिए। प्रीति मिश्रा। मिश्रा जी, तो मिश्रा जी आप भी पिज्जा खा रहे हैं यहाँ, तो क्या लगता है आपको कि वोट करते समय क्या क्या मुद्दे थे? वोट करते समय यही मुद्दे थे कि अभी तक जो नहीं हो पाया है वो सुधार किया जाए, जैसे रोजगार, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत बड़ी स्तर पर है। आज की युवा पीढ़ी इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो चंद पैसों के लिए मतलब जॉब कर रही है, जबकि वो इतना टैलेंटेड है, सब कुछ है। तो हम यही चाहेंगे कि सरकार जो भी बने बेरोजगारी कम। तो ये जो सरकार काम कर रही है ठीक नहीं कर रही? जी वही बात है, बहुत से मुद्दे तो सही कर रही है, पर बताया ना सबसे ज्यादा ये बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट के उसमें कोई सुधार नहीं, और महंगाई। मोदी जी की पॉलिसी सही नहीं है? हम ये नहीं कह रहे कि टोटली मोदी जी सही नहीं है, सारी बातों में सही नहीं है ये नहीं बोला हमने, कुछ मुद्दों में वो सही है, जैसे मंदिर का निर्माण हुआ है ये अच्छा है, करवाया उन्होंने, बाकी सब सारी ठीक है, पर वही बेरोजगारी भी मतलब और महंगाई जो है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अभी रह गए, उन्होंने अभी ठीक से किए। तो इन महिलाओं का और इन वोटरों का जो मेले का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं, इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों पर सरकार को या आने वाली सरकार को और सिरे से सोचने की ज़रूरत है और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आइए कुछ और वोटरों से बात करते हैं और इस मेले का लुत्फ लेते चलते हैं कार्यक्रम क्या बोला वोटर में। नाम क्या है आप? भारती राठौर। भारती जी आप ये डिजाइन बनवा रही हैं, मेले में घूम रही हैं, तो ये जो आपने टैटू बनवाया है, तो टैटू कौन सा बनवा रही हैं? महाकाल बनवा रही हैं। तो महाकाल पसंद है आपको? बहुत। अच्छा जिम्मेदारी से वोट किया था कि नहीं किया था? दिया था ना। तो जिम्मेदारी से जब वोट किया था तो क्या क्या मुद्दे आपके दिमाग में थे, क्या सोचती हैं आप? हम सोचते हैं कि जैसे अभी तक तो जो हुआ वो अच्छा हुआ, पर जो आगे वो जो होने वाला है ना वो और अच्छा हो। तो उसके लिए क्या 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 बेटर रहेगा? उसके लिए क्या बेटर होगा, कौन सी पार्टी अच्छा करेगी? भाजपा क्यों करेगी? क्यों? कांग्रेस क्यों नहीं करेगी? आज तक कुछ नहीं किया कांग्रेस ने? जी नहीं। तो किसने, भाजपा ने कर दिया? जी हाँ। तो
जब से मोदी जी आए ना, जब से पूरा देश ही चेंज हो गया। मोदी जी आए देश चेंज हो गया, क्या क्या बदल गया देश में? बहुत कुछ बदला। बता दीजिए। महिलाओं के लिए सम्मान मिला, जो गांव की लेडीज थी वो चूल्हा फूंकती थी, पर जो उन्होंने जो हमारे लिए किया, हमारी बहनों के लिए किया, वो सबसे बेस्ट किया कि उन्होंने लकड़ी की जगह गैस का प्रयोग किया, ये आज तक किसी ने नहीं करवाया था। और क्या क्या कर दिया मोदी जी? सबके लिए पैसे आए खातों में 1200 रुपये, और उसके बाद में उन्होंने बहुत कुछ किया, मतलब बता नहीं सकते, शब्दों में नहीं बता सकते या बता नहीं पा रहे हैं? नहीं, बता ही नहीं पा रहे। उन्होंने इतना कुछ किया, लड़कियों के लिए भी किया, लाड़ी लक्ष्मी योजना चलाई उन्होंने। तो मोदी जी वापस आ रहे हैं? जी हाँ। और 400 सीटें वो तो जीत ही जताई हैं। 400 सीटें जीत रहे हैं और क्या? 400 सीटें जीत रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण? इसका कारण क्या है? हम महिलाओं का सबसे बड़ा सपोर्ट है उनके लिए। हमारा कार्यक्रम है वोटर क्या बोला, ये हम आपको गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से दिखा रहे हैं, और वहाँ जो वोटर है वो क्या सोचता है, उसके मन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम वंदना भार्गव। वंदना भार्गव। वंदना जी, वंदना जी क्या सोचकर वोट किया आप? आपने क्या सोच के वोट किया? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, हमको अच्छे लगते हैं, उनकी बातें भी अच्छी हैं, और वो दोबारा भी लौट के आए, बहुत अच्छी है। मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं आपको? वो हम लोगों की महिलाओं की सहायता करते हैं। महिलाओं की सहायता करते हैं, अच्छा। तो सरकार में जो 400 सीटों की बात कर रहे हैं मोदी जी, क्या वो मिल पाएंगी? बिल्कुल मिलेंगी महिलाओं को, महिला दिलवाएंगी उनको? बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगी। ये जो महिला है या इस तरह के वोटर हैं, वो अपनी अपनी बात रखते हैं, और दिल खोल कर रखने वाले बात के इस कार्यक्रम में वोटर क्या बोला, ये जो मेला है उस मेले में कहीं ना कहीं एक नाट्य मंचन भी चल रहा है और लोग इसका मजा ले रहे हैं। फिलहाल ये कार्यक्रम आप देख रहे थे गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से, जहां से भाजपा प्रत्याशी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राव यादवेंद्र सिंह यादव। दोनों के बीच में मुकाबला है और परिणाम 4 जून को सामने आएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में मुझे अपने कैमरामैन नितिन शर्मा के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।